हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेटर होंगे, अच्छे होंगे। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। बेसिकली ये था कि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। आज ही मैं आया हूँ, आज ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ETS का कुछ इशू हो गया था, क्या इशू हुआ था बता देता हूँ, जिसके वजह से वीडियो थोड़ा डिलेड हुआ। ETS का जो मेरा फोल्डर था वो दूसरे ड्राइव में कॉपी हो गया था, जिसके वजह से अपना जितना सेव्ड गेम था, हमने जितने भी नए ट्रक्स लिए थे, नए गैराज मैंने जो परचेज किया था, वो सब चला गया, मतलब डिलीट हो गया। वापस हमें नया प्रोफाइल बनाना पड़ा। नया प्रोफाइल बनाने के बाद थोड़ा सेटअप में टाइम लगा, इसी वजह से काफी डिलेड हो गया। मतलब सुबह नहीं वीडियो हो पाई, शाम तक आएगी आपके पास। चलिए, मैं वीडियो तो बना चुका हूँ और कुछ एंड के टच पार्ट्स देने हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने कंट्रोल्स बताए हैं आपको कि आप कैसे कस्टम कंट्रोल्स आप कैसे खेल सकते हो, डिफॉल्ट कंट्रोल्स जो आपको ETS में मिल जाता है। वीडियो जब मैंने बनाई थी ETS हाउ टू डाउनलोड, उसमें भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था सारे कंट्रोल्स। आज ये डिटेल्ड वीडियो है, हर एक कंट्रोल्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे वर्क करता है, अगर आप कीबोर्ड से खेलते हो तो। अभी मैंने गेमिंग स्टीयरिंग व्हील के बारे में सोच रखा है, बट अभी मेरा कोई फिक्स नहीं है, जिसके वजह से मैं नहीं परचेज कर रहा हूँ। एनीवेज, वो भी जल्दी आ जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड में और क्या है नहीं है सब आपको बताने वाला हूँ। हाँ, एक हमारे बंदे ने कमेंट भी किया था कि भाई MOD वाला बताओ मॉड, तो उसके लेके भी वीडियो में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो, एज यूजुअल जितने अपने कम भाई जो जुड़े हुए हैं, बहन जो भी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, और जो भी जुड़ेंगे फ्यूचर में, कमेंट डाउन कर दो नीचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और टाइम नहीं लूंगा, लास्ट में मिलता हूँ आपसे, आप देखो वीडियो। तो ऑलराइट दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देख सकते हो मैं गेम के दौरान मतलब वीडियो शूट कर रहा हूँ। दिस इज F1, तो F1 दबाऊंगा तो रिज्यूम हो जाएगा। F1 दबा के दिखा देता हूँ, अब हम चलाते हैं। तो पार्किंग ब्रेक एनकेज है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वार्निंग मिल गया आपको। तो सिंपली क्या करना है उसको हटाने के लिए, तो अपने को स्पेस पे क्लिक करना है, और देखो ये गायब। और चलते हैं, तो साउंड इसने किया वो भी आपने सुना, तो चलो भगाते हैं अब इसको। तो भाई अपने सामने तो गाड़ी है, हटाए कैसे? हॉर्न दे देता हूँ, काम करता हूँ। तो साइड में जाना है, तो देखने भी पड़ेंगे ना कि साइड में कोई गाड़ी है या नहीं। तो उसके लिए हम दबाएंगे F2, देख सकते हो राइट वाले भी आ गए, लेफ्ट वाले भी आ गए। तब हम चलते हैं और इसे जलेंगे अपने इंडिकेटर्स। तो हाँ, टेंशन मत लो, लास्ट में जब वीडियो क्लोज करने से पहले पूरा आपको बता दूंगा कहाँ क्या क्या कंट्रोल्स हैं। तो चलो चलो चलो, ब्रेक मारनी पड़ जाएगी। मार दिया पार्किंग ब्रेक, ओह, और सिग्नल हो गया ग्रीन, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। अपने को सिंपली ट्रक को पार्क करना है, तो चलो लेके चलते हैं। ग्रीन है भाई, रेड मत होना, रेड मत होना, रेड मत होना, अब हो जा। निकल चुके हैं, उप्स, 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 मार दे भाई ब्रेक। तो क्रूज कंट्रोल कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, वरना फिर ट्रक तो पॉज हो जाएगा, मतलब। तो आगे से चल के बताते हैं आपको। जैसे भी आप देख सकते हो ट्रक एक स्टैंडर्ड स्पीड पे आ चुका है, तो अपने को क्या करना है। अच्छा, इधर से घूम जाते हैं, फिर दिखाता हूँ। तो
तो रुक ही जाता हूँ यार, रुक गया। तो राइट मेरे को जाना है लेफ्ट, तो क्रूज में दिखाने वाला हूँ आपको। रुक जा भाई रुक जा, जाने दे। तो चलो भगा रहे हैं, और ये बाकी 50 50 50 पहुँच जाए। चल 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 चल, अब हम सी दबा देंगे और ये हो गया सी। कटेगा कटेगा, मेरे को जाना है लेफ्ट। इन्होंने पैसा काट लिया, हमारे हमारे पैसे काट लिए। तो चलते हैं इधर से, अपने को लेफ्ट गाड़ी पार्क करना है। तो फिर हमें जाना है लेफ्ट, फिर हम जाएंगे लेफ्ट। तो आप देख सकते हो ये, जब आप गेम खेलने जाओगे तो आपके पास भी ऐसा एक चीज़ आएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको सेव करना है, सिंपली आपको एंटर पे क्लिक करना है। और जैसे हम कर रहे हैं लेट्स प्ले इट सेफ, तो हम ऐसे पार्क करेंगे, पूरा पार्क नहीं करने वाले। चलो तो अब चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा कैमरा सेटअप दिखाता हूँ, 8 दिखा देता हूँ, 8 दबाऊँगा तो आप देख सकते हो दूर के व्यू में। बेसिकली इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, सो F2 दबा दूंगा तो ये मिरर्स गायब। अब कैमरा के कंट्रोल्स पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाला है, ओ ओ ओ आगे बढ़ रहा है ट्रक, तो हमने स्पेस दबा दिया, स्पेस से जो है अपना पार्किंग ब्रेक लग जाता है। 1 इज फॉर इंटीरियर, मतलब अंदर वाला कैमरा। 2 दबाएंगे तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। ये करेंगे तो कैमरा घूमने लगेगा। 3 ये था 2। आप चाहो तो माउस से भी इससे कंट्रोल कर सकते हो। 2 और 1 पे आप 2 से आपका एक्सटीरियर कंट्रोल हो जाएगा माउस से। और जैसे 1 दबाता हूँ मैं, तो 1 से अगर हम माउस हटाते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। और फिर दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 3 से बाहर का कैमरा, मतलब ड्रोन व्यू आप कह सकते हो। 4 से एकदम ऊपर से, 5 से साइड व्यू, 6 से एकदम फ्रंट व्यू, मतलब कुछ ट्रक विजिबल नहीं रहेगा। 7 फॉर टायर्स देखेंगे, तो टायर घुमा के भी दिखा देता हूँ। तो 8 तो मैंने दिखा दिया था ऑलरेडी, 9 से वापस आ जाओगे। 9 से सारे कैमराज वर्क करते हैं। अब आते हैं इंजन पे, इंजन कैसे आपको बंद करना है। तो ई दबा दोगे तो इंजन बंद, स्पेस दबा दोगे तो पार्किंग ब्रेक अब खुल गए, वापस दबा देंगे तो पार्किंग ब्रेक एंगेज हो जाएंगे। उसके बाद ये हैं आपके लाइट्स, एल फॉर लाइट्स। तो लाइट्स ऐसे इंटीरियर के, मतलब कैबिन लाइट्स ऐसे हैं। सो अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद लाइट्स कैसे जलते हैं, तो मतलब जब तक आप इंजन स्टार्ट नहीं करोगे तब तक लाइट्स जलेंगे नहीं। तो इंजन स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करते ही अब बाहर चलता हूँ, बाहर। सो बाहर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लाइट्स। देख सकते हो लाइट्स अभी बंद है, फिर दबाता हूँ, लाइट्स ऑन हो गए। तो के से हाई बीम है, बेसिकली के दबाओगे तो हाई बीम ऑन हो जाएगा। सो लाइट्स ऑन करने के लिए आपको सिंपली एल दबाना है, एल दबाओगे तो 2 बार दबाना पड़ेगा आपको। पहले सिंपल लाइट्स चालू होते हैं, मतलब उसके बाद फिर फ्रंट के लाइट्स चालू हो जाएंगे, रियर के लाइट्स चालू हो जाएंगे। रियर के भी दिखा देता हूँ, वरना कहोगे रियर के नहीं दिखाता है। तो ये देख सकते हो लाइट्स ऑफ तो ऑफ। चलते हैं अब 2 सामने, घूम जा भाई। तो वापस दबा देंगे तो फ्रंट लाइट, के दबा देंगे तो ऊपर का। अब सब दबा दोगे, एक बार तो ऑफ हो गया। अब जो है डीपर, ये दबाओगे तो डीपर आप देख सकते हो। एफ फॉर हैजार्ड लाइट, एफ दबा दोगे तो आपका हैजार्ड लाइट चालू हो जाएगा, ठीक है। ये थे लाइट्स, पी दबाओगे तो वाइपर, तो देख सकते हो। और पास से कहाँ से दिखाऊँ,
तो ये देख सकते हो वाइपर्स काम कर रहे हैं। ये दोबारा, तो चलो इंटीरियर्स चलते हैं। इंटीरियर्स में देख सकते हो ये वाइपर काम कर रहा है, वापस पी, तो देख सकते हो एक बार और पी दबा देंगे तो एकदम फास्ट हो गया। फिर ये बंद, तो बेसिकली रेन के समय आपको काम आने वाला है। अब आते हैं कि इंटरटेनमेंट सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है। अब ये वाले इसको हटाना है, तो मतलब आप यहाँ से कर सकते हो F5 से आपका नेविगेशन, F3 दबा देंगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा और वापस दबा देंगे तो हट गया। अब इंटरटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 प्रेस सेटअप रखा है, वो भी बता दूंगा। 6 प्रेस कराऊँ तो देख सकते हो ये कंट्रोल हो रहा है, और वापस दबा दिया तो पूरा एग्जिट हो गया, फिर दबा दिया तो बंद हो गया। और फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब बीच वाले को आपको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली आई दबाते जाना है। आई दबाओगे तो ये आप देख सकते हो पूरा कंट्रोल हो रहा है। और फिर मैं अगर आपको दिखाऊं तो हजार्ड लाइट्स तो मैंने दिखा दिए, पीछे से दिखा देता हूँ। अब बचे हैं सिर्फ अपने एक चीज़, तो उसमें है आपका विंडोज़। तो देख सकते हो मैंने कस्टम इन दोनों पे सेट रखा है, लेफ्ट और राइट, और इससे विंडोज़ क्लोज़ हो जाएंगे। ये दबा दिया तो उधर वाले क्लोज़ हो गए, और ये दबा दिया तो इधर वाले। उधर वाले भी दिखा देता हूँ सिंपली, तो अब इसको उठा देते हैं। तो ये हो गया, ट्रक को पार्क करते हैं, स्पेस हटाते हैं, और फिर आपको टेलर कैसे डीकपल करना है वो भी बता देता हूँ मैं। दो को प्रेस करते हैं, अब जो है ट्रक को साइड में लेके जाना है। तो देख सकते हो ग्रीन हो गया, इंजन्स ऑफ, लाइट्स ऑफ है अपने। आप सिंपली टी प्रेस कर दोगे, स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, बस ये हो गया डीकपल। तो टी दबानी है क्या? अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, अगर यहाँ पे बीच में एक और व्हील होता है उसको लिफ्ट अप लिफ्ट डाउन करने के लिए आपको यू करना है, यू प्रेस करोगे तो आ जाएगा ये वाला बटन। तो चलिए अब कंट्रोल्स बताता हूँ आपको मैं, बताने को मैं भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। सो सिंपली आपको हॉर्न बताना मैं भूल गया था, तो हॉर्न के लिए आपको एच दबाना है, एच दबाओगे तो हॉर्न बजेगा। और यहाँ से भी कंट्रोल होते हैं आगे पीछे, दिस इज़ फॉर फ्रंट, दिस इज़ फॉर रियर, लेफ्ट राइट, यहाँ से भी आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। लाइट्स मैंने बता दिए, सी फॉर क्रूज बता दिया, ये दोनों से आप आगे पीछे जा सकते हो। ये दोनों मैंने विंडो सेटअप रखा हुआ है आगे पीछे, और 6 मैंने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, और ये जो है F5 आपका नेविगेशन, F6 आपका ट्रिप इन्फो, एंड F7 अगर आपको ट्रक टो करना है, मतलब एक्सीडेंट हो गया और कितना डैमेज हो गया उससे आप उसको देख सकते हो F4 से। और F4 से जो है आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो अपने विंडोज एंड ऑल। तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ मैं, अब दिखाता हूँ आपके कंट्रोल्स कैसे करना है। तो चलिए उसको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो ऑलराइट, अब देख सकते हो यहाँ पे आपके पास ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो असाइन गेम सेक्शन फॉर द कीज, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाउन, तो जो मैंने बताया। अगर फॉर एग्जांपल हमें शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन करना है, मतलब गियर चेंज करना है पैडल शिफ्टर्स के जैसे, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस पे रखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है और बैक स्पेस दबाओगे तो ये क्लियर, बट हमें ये नहीं देना है तो हमें प्लस देना है, तो हम प्लस इस पर दबाना है आपको, और जो बटन आपको करना है, तो मैं वापस यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, प्लस आ गया गियर शिफ्टर्स।
और जैसे मान लो वार्निंग लाइट, वार्निंग लाइट के लिए क्या करना है आपको, वार्निंग लाइट दिखा देता हूँ। देखो ये ओ बीकॉन जो है ना, बीकॉन इज फॉर योर वार्निंग लाइट्स, मतलब ऊपर के जो लाइट्स हैं, और रेयर में जब टेलर्स में आप देखते हो लाइट जलते हैं, यहाँ से जलते हैं। और हॉर्न इज फॉर हॉर्न, और जो हमने ट्रक में एयर हॉर्न लगाया हुआ था वो मैंने एन से लगा रखा है, एन दबाऊंगा तो वो हॉर्न बजेगा। सो वाइपर्स बता दिए, पी बस सिंपली आपको अगर चेंज करना है आपको उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को उसको चेंज करना है तो मैं इसको सिंपली दबाऊंगा, और फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देना है तो ये दे दिया मैं, तो ये हो गया। तो बट हमें ये नहीं देना है तो हम इसको वापस पी पे रहने देंगे, तो ये पी हो गया। तो ऐसे हैं कुछ इसके कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल आप देख सकते हो, ये डैशबोर्ड डिस्प्ले मोड जो मैंने बताया 6, तब तो आप यहाँ से कुछ और भी रख सकते हो। तो ये है कुछ इसके बेसिक सेटिंग्स, लेफ्ट राइट विंडो आप देख सकते हो, राइट शिफ्ट ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए लेफ्ट वाला शिफ्ट। तो ये जो CTRL है लेफ्ट क्यों नहीं दिखा रहा, आप लेफ्ट साइड वाला आपका नहीं डिस्प्ले करेगा, तो इसमें सिर्फ CTRL या फिर शिफ्ट दिखाएगा, कंट्रोल मतलब कंट्रोल और शिफ्ट, तो राइट साइड वाला आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो और बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और नहीं खींचूँगा। इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है वो है इंडियन बस सिमुलेटर, मतलब PC में कैसे खेलोगे देखते हो जो। तो यहाँ से इसके कुछ कंट्रोल्स है, अब मैंने क्या क्या कंट्रोल्स रखा है आप देख लो ज़रा, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग चाहिए होता है, स्टेयरिंग अच्छे से ताकि घूमे वो चाहिए होता है, और फिर ये गेम प्ले पे जाते हो तो यहाँ से आपको सारे चीज़ें मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ कम रखा है, यहाँ पे मैंने कार लिमिट लगा दिया क्योंकि बार बार रेड लाइट जलता है वो मुझे बेकार लगता है, क्योंकि जैसे लिमिटेड स्पीड होता है अपना ट्रक वालों का 90, नॉट मोर देन दैट या फिर 97। तो ये आप देख सकते हो, तो ये थी कुछ वीडियो। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ से आप ग्राफिक सेटअप कर सकते हो, मैंने मीडियम रखा है, ज़्यादा नहीं रखा बिकॉज़ बैटरी बहुत खाती है। तो चलिए इसको एंड करता हूँ और मिलता हूँ सीधा थैंक यू वाले सेशन पे। देख लिया कैसा लगा कमेंट्स में बताना वीडियो। सो फाइनली मैंने इतना तक में एंड कर दिया, सिर्फ इसमें कंट्रोल्स बताए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दैट्स फॉर श्योर। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो मैं ये कुछ स्नैप्स डाल दे रहा हूँ जो मैंने मतलब कस्टमाइज किया था अपने हिसाब से, दो तीन कंट्रोल्स। सो वीडियो में मैंने बताया, स्किप करोगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, हालांकि बहुत ईजी सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक हमारे वन ऑफ द न्यू सब्सक्राइबर जिस जो हमारे साथ जुड़ा है रिसेंटली, उसने हमें कमेंट डाउन किया था कि भाई हमें MOD पे बताओ, तो वही रीजन है जिसके वजह से ये ETS का लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है हम बस, यू नो कि बस अमेरिकन जैसे ट्रैवल बस होते हैं तो बस पे हम बनाने वाले हैं, कि ऐप तो यही रहेगा आपका यूरो ट्रक सिमुलेटर 2, बट उसमें हम बस डाल देंगे जिसपे वीडियो आएगी, कि मतलब वही गेम आप खेल सकते हो, मतलब बेसिकली आपको बस चलाना है। सो अगर देखना है वो वीडियो तो वो भी कमेंट डाउन कर दो। वी के बारे में मैंने कहा था, तो वी कौन सा है वो मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज कर देता हूँ, वो वी है GTA 5। अगर आप देखना चाहते हो तो बता देना, तो मैं वीडियो बनाऊंगा GTA 5 का, क्योंकि मैंने कह दिया था लास्ट वीडियो में। सो वीडियो बननी शुरू हो जाएगी, तो GTA 5 हम डाउनलोड करके लाइव प्ले भी करने वाले हैं आपके सामने। आज जो है यूरो ट्रक सिमुलेटर मतलब ट्रक का लास्ट वीडियो था, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बार बार बोलना सही नहीं लगता। ये थी कुछ वीडियो, अगर आपको कुछ भी क्वेरी होता है ना, तो जैसे आप जो हमारे पुराने बंदे जैसे कुछ हैं जो मतलब कमेंट करते हैं, आप भी सीधा जाओ नीचे जाके कमेंट कर दो, कोई इशू नहीं है। एक दिन नहीं हो, दो दिन नहीं हो, हालांकि एक दो दिन पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ एक दिन पे। आप कमेंट कर देना, मेरी कोशिश रहेगी जो मतलब एकदम क्वेरी वाले डाउट्स को मैं एकदम, हालांकि मैंने हर एक रिप्लाई को रिप्लाई दिया हुआ है, कर देना। और अभी ETS का ये प्रोबेबली हो सकता है ये लास्ट वीडियो रहेगा, उसके बाद फिर बस वाली वीडियो थोड़ी लेट आए, डिलेड आए, क्योंकि मतलब डिलेड इन द सेंस और भी वीडियोज आएंगे, क्योंकि
क्योंकि हमारे जियो फाइबर वाले वीडियो पे एक बंदे ने कहा था नेम कैसे चेंज करना है, तो वो अब प्रोबेबली आगे वीडियो आने वाली है। सो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, जो नए बंदे देख रहे प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ भाई, आपकी जरूरत है हमें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कर देना, जो गेमर्स हैं नए गेमर्स हैं खेलना पसंद करते हैं जिन्होंने उस वीडियो के थ्रू डाउनलोड किया है। तो स्टार्टिंग में मैंने नहीं कहा था, आई बटन पर भी दे दे रहा हूँ ETS का प्लेलिस्ट, आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स दे दूंगा, मतलब डाउनलोड करना कौन सा, मतलब वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, हर एक चीज नीचे मिल जाएगा आपको। सो कोई इश्यू नहीं है उसको लेके, तो ETS का आज ये मतलब इसको रहने देते हैं। अब फिर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कौन कौन भाई खेलते हैं वैसे बस वाले वो कमेंट डाउन कर देना अगर देख रहे हो वीडियो तो। सो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो उस पर कि बस और गाड़ी भी होता है उस पर, यू नो आप गाड़ी भी दे सकते हो मतलब यूरो ट्रक सिमुलेटेड 2 में। सो उसके बाद मतलब अभी तो मैं इंडियन मैप्स नहीं डाल रहा उसमें, प्रोबेबली हो सकता है जब फिर ETS सीरीज में स्टार्ट करूं उस पर मैं इंडियन बस सिमुलेटर भी डालूं, उसके बाद फिर इंडियन रेल सिमुलेटर, इंडियन ट्रेन सिमुलेटर PC वर्जन एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा चीज है, तो मैंने एक बार डाउनलोड कर रखा है एंड दैट्स वो मेरे डेस्कटॉप पे है। सो अगर वो भी आप करो मतलब कहोगे कि इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2, तो वो भी मैं बता दूंगा, तो गेमिंग सीरीज की वीडियो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, आपको मिलती रहेगी। सो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अगर कमेंट है एज यूजल कर देना, लिख देना नीचे कमेंट पे। तो चलिए एंड करते हैं बिकॉज अभी जो है 6 बजने को आए हैं, अभी मुझे वीडियो की पूरी एडिटिंग करनी है, मैं आते आते काफ़ी मतलब टायर्ड हो गया था, तो पहले आपको क्योंकि मैंने कहा था 21 को वीडियो आएगी तो आएगी, तो चलिए वीडियो डाल देता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंजॉय करते रहिए, सेफ रहिए, अपनी प्रिकॉशन अपने पास, अपनी सेफ्टी अपने पास। सो टिल देन एंजॉय करते रहो, मुस्कुराते रहो, तो मिलते हैं नए वीडियो में, सो बाय फॉर नाउ।